मोस्ट हेटेड ब्लॉगर बन गए। सौरव जोशी, आज इस नाम को यूट्यूब इंडिया में कौन नहीं जानता। ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज अ डेली ब्लॉगर, या फिर बोल सकते हो कंसिस्टेंट ब्लॉगर जो अपने चैनल पर डेली वीडियो डालता है। एंड इस ब्लॉगर ने पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टारगेट सेट किए, कई बड़े क्रिएटर्स को सरपास किया। 100 डेज तक ट्रेंडिंग पेज पर रहना इज नॉट अ इजी टास्क। कई सारे माइलस्टोन अचीव किए। एंड ऑल्सो सौरव इज इंडिया नंबर वन ब्लॉगर। एंड इवन इसके जस्ट ऑपोजिट सौरव को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना। ही वॉज रोस्टेड बाई मेनी क्रिएटर्स, एटीट्यूड किंग, ओवररेटेड, क्रिंज एंड किड्स ऑडियंस, और भी कई सारे टाइटल्स सौरव को मिले। एंड बहुत लोग उससे नफरत करते हैं बिना किसी वजह। बट फिर घूम फिर करके क्वेश्चन यही आता है, आखिर क्यों? ये बात सभी को ही पता है कि सौरव ने अपने YouTube करियर की शुरुआत आर्ट वीडियोस के थ्रू की थी, जिसके बाद सौरव ने व्लॉगिंग चैनल ओपन किया था बाय द नेम ऑफ सौरव जोशी व्लॉग्स। एंड इस चैनल पर सौरव ने अपने उन वीडियोस के साथ शुरुआत की जो वो अपने आर्ट चैनल पर भी करता था, ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस एंड कुछ आर्टवर्क ब्रेकडाउन वीडियोस। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज सौरव। सो आज की इस वीडियो में हम ड्राइंग प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। इतना भी आपको फेस पे शेडिंग दिख रही है, टेक्सचर दिख रहा है, तो गाइस रिसेंटली मैंने ये वाली ड्राइंग कंप्लीट की है हमारे ग्रेफाइट और चारकोल वर्क्स में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड उन वीडियोस के थ्रू सौरव को शुरुआती ऑडियंस भी मिल गई, बिकॉज उस टाइम पर सौरव का एक और आर्ट चैनल था जिसके थ्रू सौरव को स्टार्टिंग ऑडियंस मिल गई। पर उस टाइम पर सौरव को ऑडियंस एज ए ब्लॉगर नहीं, एज एन आर्टिस्ट देखने आ रही। और उस टाइम पर भी सौरव जोशी का आर्ट चैनल काफी ज्यादा पॉपुलर था। पर कुछ टाइम बाद सौरव जोशी ने धीरे धीरे अपने चैनल पर डेली ब्लॉगिंग को शुरू कर दी। बट उसी बीच सौरव जोशी के ब्लॉग्स में पीयूष जोशी फीचर होना स्टार्ट हुआ, जो कि सौरव के चैनल का गेम चेंजर होने वाला था, और उसी की वजह से उसे काफी हेट भी मिलने वाला। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, सौरव ने अपने चैनल पर 100 डेज एंड 100 वीडियोस वाला चैलेंज कंप्लीट कर लिया, और इस चैलेंज के थ्रू सौरव के चैनल पर 100K सब्सक्राइबर्स तक गेन हो गए। एंड इस चैलेंज के बाद सौरव के काफी वीडियोस लोगों को रिकमेंड होने लगे। सौरव ने जस्ट कुछ ही मंथ्स में 500K का भी मार्क क्रॉस कर लिया। एंड उस टाइम पर सौरव को कोई हेट नहीं करता था, बिकॉज सभी के लिए सौरव एक नॉर्मल ब्लॉगर था जो अपने डेली लाइफ से रिलेटेड व्लॉगिंग वीडियोस अपलोड करता। पर सौरव का कंटेंट काफी लोगों को पसंद आने लगा, एंड सौरव ने जस्ट कुछ ही मंथ्स में 1 मिलियन का भी मार्क हिट कर लिया। बट देन सौरव को हेट मिलना शुरू होता। सौरव काफी टाइम से अपने चैनल पर पीयूष को फीचर कर रहा था अपने वीडियोस एंड अपने थंबनेल्स में, जिसकी वजह से उसे पोक किया जाने लगा कि वो पीयूष के नाम पर व्यूज लेता। एंड सौरव का चैनल पीयूष के नाम पर ही चल रहा। काफी टाइम तक सौरव को इसी बात पर पोक किया जाने लगा। एंड सौरव को अननेसेसरी हेट रिसीव हुआ इसकी वजह से। 13 नवंबर 2020, ये वो टाइम था जब सौरव ने अपने चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट किए थे। एंड उसी के नेक्स्ट ईयर 7 नवंबर 2021, इस बीच सौरव जोशी को 9 मिलियन से भी ज्यादा न्यू सब्सक्राइबर्स मिले। एंड सौरव जोशी ने 10 मिलियन सब्सक्राइबर का मार्क हिट किया, जो कि सौरव के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट था। बट सिचुएशन वर्स्ट होना यहां से ही शुरू हुआ। जब सौरव जोशी ने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मार्क हिट किया, उस टाइम से ही सौरव को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, बिकॉज सौरव ने कई सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स को सरपास कर लिया था जिनके ऑलरेडी व्लॉगिंग कम्युनिटी में काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स थे। एंड वो काफी टाइम से व्लॉगिंग कम्युनिटी में थे। एंड सौरव ने जस्ट कुछ ही मंथ्स में इतना बड़ा नंबर गेन कर लिया था, जिसकी वजह से काफी लोगों ने सौरव को क्रिटिसाइज किया एंड उसे नॉन डिजर्विंग एंड ओवररेटेड बोलने लगे। बट इस राइज के बीच में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई जिसकी वजह से काफी ऑडियंस सौरव के अगेंस्ट हो गई। मनोज दे एंड सौरव जोशी का एक कोलैब हुआ था जिसमें दोनों ही क्रिएटर्स अपने अपने व्लॉग शूट कर रहे थे। वहां तक तो सब कुछ सही था, बट उस टाइम पर मनोज दे ने अपने चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया, पीयूष एटीट्यूड किंग, और वो व्लॉग एक कंट्रोवर्शियल व्लॉग में बदल गया। उस व्लॉग में मनोज दे ने क्लिकबेट टाइटल एंड क्लिकबेट थंबनेल रखा, जिसकी वजह से सौरव ने मनोज दे को उस वीडियो को देखने से पहले ही ब्लॉक कर दिया, और मनोज दे ने भी इसके ऊपर रिप्लाई देते हुए ये वीडियो अपलोड किया। पॉजिटिव वीडियो बना करके थोड़ा हेट को प्यार में बदलने की कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मेरा टाइटल था पीयूष एटीट्यूड किंग, इस तरह करके ट्राई किया है कि पीयूष को डिफेंड करने का, सौरव के बारे में अच्छी बातें बताने का। जो और इस कंट्रोवर्सी में दोनों ही क्रिएटर को काफी हेट रिसीव हुआ। सौरव जोशी को मनोज दे की ऑडियंस काफी हेट देने लगी, और मनोज दे को सौरव जोशी की ऑडियंस काफी हेट देने लगी। बट उस टाइम पर इस कंट्रोवर्सी का एंड हो जाता है। बट उसके कुछ मंथ्स बाद वजाद हसन अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो सौरव को क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज उन्होंने पीयूष को एक गेमिंग सेटअप बिल्ड करके दिया जो कि सौरव की किड्स ऑडियंस को काफी इम्पैक्ट करेगी, और इस बात पर वजाद हसन को काफी हेट रिसीव हुआ। कंट्रोवर्सी अजीब सी हुई, उसके बाद ना मेरी व्यूअरशिप में ड्रास्टिक फॉल आया। जो मेरे व्लॉग्स के व्यूज 2 लाख 2.5 लाख टाइप्स आते थे, वो व्लॉग्स के व्यू 1 लाख के आसपास चले गए, और सौरव ने वजाद हसन को भी इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया। एंड इन दो कंट्रोवर्सी होने के बाद सौरव जोशी की नियोन मेन के साथ कंट्रोवर्सी हो जाती, जिसमें नियोन मेन ने एक ब्लॉगर की न्यूज कवर की थी कि कैसे वो ब्लॉगर सौरव जोशी से मिलने जाता है बट सौरव जोशी उनसे नहीं मिलते।
ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था यार इतनी गर्मी से यार, कसम से भाई 4 घंटे से वेट कर रहे हैं यार। बट उस शॉर्ट वीडियो से सौरव जोशी ऑफेंड हो जाते हैं एंड उस शॉर्ट वीडियो में सौरव एक कमेंट करते हैं जिसकी वजह से एक और कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो जाती है। नियॉन मैन की काफी ऑडियंस सौरव के अगेंस्ट हो जाती है बिकॉज नियॉन मैन का वर्क है न्यूज कवर करना। अब वो चाहे स्मॉल क्रिएटर हो या फिर बड़ा क्रिएटर, और वो किसी के अगेंस्ट हो या ना हो, फिर भी नियॉन मैन को न्यूज को कवर करना ही होगा। और इस कॉन्ट्रोवर्सी के बीच में सौरव ने नियॉन मैन को भी ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से सौरव जोशी को और ज्यादा हेट मिलने लगे। सौरव जोशी को लोग इमेच्योर एंड ओवररेटेड बोलने लगे बिकॉज पास्ट कॉन्ट्रोवर्सीज में भी सौरव ने बाकी सबको ब्लॉक कर दिया था। और इन्हीं सब कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद एक और न्यू कॉन्ट्रोवर्सी की शुरुआत होती है, केकेएल वर्सेस सौरव जोशी। केकेएल ने सौरव जोशी के अगेंस्ट एक क्रिटिसिज्म वीडियो बनाया था जो कि अभी तुमको केकेएल के चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। बट उस वीडियो के बाद सौरव जोशी ऑफेंड हो जाते हैं बट काफी ऑडियंस केकेएल के सपोर्ट में एंड सौरव के अगेंस्ट, क्योंकि केकेएल ने उन पॉइंट्स को रखा था जो कि उनके साथ पास्ट में हो चुके, उनके फैंस के साथ नहीं मिलना, पीयूष जोशी के नाम पे अपने व्यूज लेना एंड व्लॉग्स के लिए कुछ भी कर लेना, रियल में कुछ और वीडियो में कुछ और, यहाँ से यहाँ तक बनाई और ये चीज मैं अपने आंखों से देखा हूँ। और काफी ऑडियंस केकेएल की बात से अग्री कर रहे थे जिसके बाद सौरव को और हेट रिसीव हुआ। इस कंट्रोवर्सी का भी एंड होता है और अगेन कुछ मंथ्स बाद एक और कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है जब टेक चैंपियन सपोर्ट बहुत दूर तक ट्रैवल करके सौरव जोशी से मिलने जाते हैं तो सौरव उनसे मिलने से मना कर देते हैं एंड उस टाइम पे टेक चैंपियन सपोर्ट सौरव के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं। इस कंट्रोवर्सी में पहले तो टेक चैंपियन सपोर्ट के साथ काफी ऑडियंस थी पर जब उन्होंने और वीडियोस अपलोड की तो उल्टा टेक चैंपियन सपोर्ट के अगेंस्ट ऑडियंस हुई बिकॉज सौरव ने उस टाइम पे टेक चैंपियन सपोर्ट से हम्बली मना बोला था कि वो उनसे नहीं मिलना चाहते और इतनी सी बात पर टेक चैंपियन सपोर्ट सिर्फ व्यूज मिल कर रहे थे और टेक चैंपियन सपोर्ट सौरव की ऑडियंस को उनके खिलाफ मैनिपुलेट कर रहे थे पर इसका उल्टा ही हो गया और उनको काफी हेट रिसीव हुआ। बट इसके पहले सौरव के साथ जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई इसने सौरव की रेप्यूटेशन पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया बिकॉज सौरव जोशी का उन यूट्यूबर्स के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हुआ जिनका यूट्यूब कम्युनिटी में अच्छा खासा रेप्यूटेशन था, नियॉन मैन, वजाह हसन, मनोज दे एंड और भी क्रिएटर्स। और इसी बीच सौरव जोशी एंड पीयूष को एटीट्यूड किंग का भी टैग मिला और ये टैग इनको इसलिए मिला क्योंकि जब भी सौरव कहीं बाहर निकलते हैं और उनके फैन से मिलते हैं तो उनके अगेंस्ट कई सारी वीडियोस बन जाती कि सौरव ने उनको रिप्लाई नहीं दिया और उनका बिहेवियर एकदम रूड था और पीयूष भी एटीट्यूड किंग है, ऐसे ऐसे टैग दोनों भाइयों को मिले। और जब ये बात काफी क्रिएटर्स को पता लगी कि इस टाइटल से व्यूज आते हैं देन उन्होंने इसी टाइटल्स का यूज किया एंड व्यूज गेन किए और इन दोनों ही भाइयों को एटीट्यूड किंग का भी टैग मिला। बट अगेन सब कुछ बढ़िया चल रहा था एंड सौरव के एक स्टेटमेंट की वजह से एक और कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो जाती है। स्टेटमेंट उन हल्द्वानी, बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं, हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है, ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारे इंडिया रह रहा है, तो ये काफी मतलब प्राउड की बात है मेरे लिए भी आप लोगों के लिए भी। इस स्टेटमेंट की वजह से सौरव एक ह्यूज कंट्रोवर्सी में पड़ गया और उस टाइम पर सौरव को काफी हेट रिसीव हुआ बट एट द एंड सौरव जोशी ने उसके लिए अपोलोजाइज किया। मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी वजह से जानते हैं, मैंने ऐसे बोला था कि मेरे व्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड, बस मैंने ये बोला था, मेरा ये मतलब कि मेरी वजह से जानते हैं, तो हाँ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी थी। एंड कुछ टाइम बाद इस कंट्रोवर्सी का भी एंड हो गया बट करंटली सौरव जोशी के 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और वो इंडिया का नंबर वन ब्लॉगर। पर उसके साथ साथ इतनी सारी कंट्रोवर्सीज होने की वजह से सौरव के ऑडियंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक जो सौरव के हेटर्स हैं एंड दूसरे जो सौरव के व्यूवर्स हैं। एंड वो व्यूवर्स सौरव को इसलिए देखना पसंद करते हैं बिकॉज उसने इतना टॉप पे पहुंचने के लिए काफी हार्ड वर्क किया, कंसिस्टेंटली डेली व्लॉगिंग करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। पर तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में यही कारण थे कि सौरव को इतना हेट मिला और वो इंडिया का नंबर वन ब्लॉगर होने के बाद भी मोस्ट हेटेड ब्लॉगर बन गया? Report suspicious activities and call 911 for immediate response.